ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टूडेंट्स के मन में सवाल जुलाई इनटेक को लेकर, हमारे पास भी कई तरह के सवाल कमेंट्स के जरिए पहुंच रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पूरी एक वीडियो प्रॉपर बनाई जाए, आपको गाइड किया जाए ताकि जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट हैं उनको भी पता चले कि कैसे वो राइट कोर्सेज के साथ आगे चलें। और आज आपको स्पेशली बताने जा रहे हैं कि कैसे आप फ्री आइल्स कोचिंग, फ्री पीटी कोचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी कोचिंग क्लास शुरू नहीं की है, फ्री ये कोचिंग आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी और सर्विसेज आपको मिल सकती है, और स्पेशली बात करेंगे कि जीटी की जगह जीएसटी आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर में फ़र्क पड़ा है, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। स्वागत है आप सभी का, और आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी आज, पहले तो जो जीटी की जगह जीएसटी आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है, स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मैम, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी शुरू करें इससे पहले मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि नेविगेटर्स ओवरसीज और वीना गोयल मैम जो कि तकरीबन पिछले 28 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, इमिग्रेशन की दुनिया में उनका बहुत अच्छा नाम है और ढेरों स्टूडेंट्स को उनकी मनचाही मंजिल पर पहुँचाया है, उनका बाहर जाने का, विदेश जाने का सपना जो है साकार किया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप मैम से गाइडेंस लेते हैं, उनकी उनके अकॉर्डिंगली अपनी फाइल लगाते हैं और टाइमली फाइल लगाएंगे सही डिसीजन के साथ, तो टाइमली आप अपना वीजा भी हासिल जरूर कर सकते हैं। तो मैम, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करते हैं, जरूर बताइए फ्रेश पास आउट स्टूडेंट किन किन बातों का ध्यान रखे और जीटी के बाद जो है जीएसटी के आने के बाद क्या क्या असर पड़ा है पूरे प्रोसेस पर। हरजोत जी, देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जाना कभी भी मुश्किल नहीं था अगर बच्चे को गाइडेंस ठीक हो। हम लोग अगर बच्चा यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स 2 साल से तैयारी करते हैं टेंथ के बाद, तो क्यों ना बाहर जाने के लिए आप वही 2 साल से पूरी तैयारी करो, तो आपके बच्चे का कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आप वीज़ा को बहुत इजी मत लो, आप ये मत सोचो कि हम कागज़ लेके जाएंगे, एजेंट सब कुछ कर देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपके बच्चे के प्रोफाइल में प्रॉब्लम आएगी। आप उसका टेंथ के टाइम ध्यान रखो। बहुत सारे पेरेंट्स पूछने आते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स लेके दें, जब आप सब्जेक्ट्स पूछ रहे हो, बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, उसी टाइम आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अभी भी फैमिलीज ऐसी हैं जो आईटीआर की परवाह नहीं करती इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि इस साल 7 लाख रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया। तो लेकिन हमें जब बाहर बच्चे को पढ़ने भेजना है हर कंट्री में, अब जैसे कैनेडा में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कनाडा में अपना टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। ऐसे ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। तो आप अगर उस टाइम अपनी आईटीआर को प्रॉपर फिल करते हो, आप गाइडेंस लेते हो, मस्ट भी आपको ज़रूरत हो ना हो इनकम टैक्स रिटर्न की, लेकिन अम्बेसी उसी से आपकी जो है इनकम जज करती है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी जॉब क्या है। अब फाइनेंशियल्स पहले 3 महीने पहले कुछ यूनिवर्सिटियां देखती थी, अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटियां उसका सोर्स मांगती हैं। तो यही आपने धीरे धीरे इनकम अपनी सेविंग की हो बच्चे के नाम पे या अपने अकाउंट्स में जो शो करनी है, तो आपका जो जीटी वाला क्वेश्चन है, जिसको जीटी बोलते थे अब जीएसटी बोलते हैं, नाम चेंज हो गया लेकिन आज भी है वो सेम ही है, यूनिवर्सिटियों ने जीटी ही करनी है, अम्बेसी ने जीएसटी करनी है। तो अब वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, बच्चे का एकेडमिक भी, अगर दोनों चीज़ें आपकी मैच करती हैं तो आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल्स भी मैनेज कर लिए, बच्चे की भी क्वालिफिकेशन ठीक है, अब उसको जो मेन चैलेंज है कोर्स, जो कि हम नीट का एग्ज़ाम क्यों कराते हैं या कंपटीशन, कि वो बच्चा डॉक्टर बने, वो बच्चा इंजीनियर बने, सेम आपने ये रखना है कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है एक अच्छे कोर्स के लिए जा रहा है, अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाना था तो आप बाहर के हिसाब से भी एक पर्टिकुलर अच्छा अमाउंट उसके पढ़ने पर खर्च कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको उसके कैरियर पर चाहिए। एक अच्छे से अच्छा कोर्स हमें उसको लेके देना, जितना अच्छा कोर्स होगा
उतना ही अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोलता था, मैं बोलती थी जी। हमें स्पेशली 7-8 ईयर्स पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एडिथ कवन यूनिवर्सिटी ने बुला के ट्रेनिंग दी, जो कि $1 बिलियन गवर्नमेंट से उनको मिला था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स का सारा जमाना आ गया, गाड़ियाँ जो है रोबोट्स चला रहे हैं, वेयर हाउस में या जहाँ सामान सप्लाई होता है रोबोट्स कर रहे हैं, क्रॉप्स का काम रोबोट्स कर रहे हैं, तो वो सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है। इसमें आपका जितना मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो हमें कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी, जब आपने उसको बच्चे को नॉन मेडिकल ले दिया तो उस टाइम आपका जो है, मतलब बच्चा 11th में या 12th में, तभी से दिमाग में रख लो कि बाहर हमने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स करने जाना है, तभी से आपकी वो चॉइस शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन जो बच्चों ने अभी +2 कर लिया उसके लिए हम आपको गाइड करने बैठे हैं, और जो पेरेंट्स भी प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके बच्चे +1 +2 में हैं वो भी आके हमारे से गाइडेंस ले सकते हैं। अब जो बच्चों ने मेडिकल किया उनके लिए स्पेशली अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम हैं, आप कभी शॉर्ट टर्म मत सोचो। आप सोचो कि बच्चे ने 3 साल पढ़ा, उसके बाद कौन सी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। आप खाली पीआर को फोकस मत करो, पीआर तो उसके पीछे भाग के आ जाने हैं, जब आपके बच्चे की अगर जॉब अच्छी होगी, क्योंकि हर कंट्री का एक क्राइटेरिया होता है कि एक पर्टिकुलर स्लैब अगर उसका जॉब का है तो उसको स्पॉन्सर करती है कंपनी, और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स पे उसको पीआर मिल जाती है। दैट मीन्स उसको पीआर और पॉइंट्स के पीछे नहीं भागना, पॉइंट्स उसके पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम अच्छा रखा होगा तो हम भी अपनी कंट्री का नाम बनाते हैं बाहर जाके, फिर हम अपनी कंट्री का नाम स्पॉइल नहीं कर रहे, जो पीछे काफ़ी सारे बच्चे कोर्स चेंज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी होपिंग हो रही है, उससे हमारी कंट्री का नाम ख़राब होता है। बेटर है हम अपने बच्चों को इतना कैरियर फोकस करें कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। मेरे को याद है आज से 15 ईयर्स पहले जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मैं गई थी और बच्चों को भेजा था, तो वहाँ के इंटरनेशनल रेप ने बोला था कि फर्स्ट मेक योर चिल्ड्रंस ऑनेस्ट, अपने बच्चों को ईमानदार बनाइए, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है तभी वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छी गुजार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ मैं एक और अपडेट करना चाहती हूँ कि जो भी आप हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं और हम आपकी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, और अगर आपने IELTS PT नहीं की है तो वो टोटल हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, और अगर आपने कर लिया है तो आपका वीज़ा लगने के बाद हम उसकी जो कोचिंग फीस है वो आपको रिफंड करते हैं, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है। ओके जी, बिल्कुल। तो ढेर सारी अच्छी अच्छी सर्विसेज आपको मिल रही हैं नेविगेटर्स ओवरसीज से, ये ढेर सारे बेनिफिट्स का आप फ़ायदा तभी ले सकते हैं अगर आप टाइमली जो है पूरी जानकारी के साथ नेविगेटर्स ओवरसीज के साथ कंसल्ट, उनसे पूरी अपनी जो है सलाह ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपके लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कि नेविगेटर्स ओवरसीज की तरफ से जो फ्री कोचिंग दी जा रही है IELTS और PT की, चाहे कि अच्छी कोर्स सिलेक्शन की बात करें जिससे आपको आगे चलकर ढेर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों का फायदा लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, या फिर नेविगेटर्स ओवरसीज के ऑफिस विजिट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर आइए ताकि असेसमेंट की जाए और आपको सही ऑप्शंस टाइमली पता चल सके, और टाइमली सही डिसीजन के साथ प्रोसेस शुरू करें, टाइमली आप अपना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा हासिल कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।